आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगी। बाथ बोला तो आपके दिमाग में क्या आता है? स्नान, राइट? और यूके के नेक्स्ट सीरीज में कुछ ऐसे ही मैं सिटी में ले जाना चाहती हूँ जिसका एग्जैक्टली मीनिंग स्नान। हेलो एवरीवन, मैं नेहल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है लेट्स घूमे। तो नेक्स्ट पार्ट में आप रेडी हो बात का टूर लेने के लिए? ये वीडियो मैंने पूरा बात के लिए डेडिकेट किया है क्योंकि इसका आर्किटेक्चर, इसकी हिस्ट्री बहुत रिच है। ये एंशियंट रोमन के ज़माने का है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। बहुत सुंदर शहर है और वहाँ आपको लगेगा कि आप हैरी पॉटर में आ गए हो क्योंकि उसके बिल्डिंग को देख के आपको वो फील होगा। और हैरी पॉटर की शूटिंग भी बात के आसपास ही हुई है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और मेरे साथ लेट्स घूमें। सिटी ऑफ बात, सोमरसेट, इंग्लैंड में आप सबका स्वागत है। ये शहर रोमन के द्वारा बनाए गए बात के कारण इसका नाम बात पड़ा। ये एवन नदी की घाटी में बसा हुआ है जो लंदन से 150 किलोमीटर वेस्ट में है और 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ऑनर मिला। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये किंग एंड क्वीन बात है, मतलब एंशियंट रोमन के ज़माने के बने हुए इसके अंदर है बात है, जो पूल मतलब मैं कह सकती हूँ गर्म पानी का। बिल्डिंग 17 सेंचुरी की बनी हुई है। मोस्टली इस सिटी में जो आर्किटेक्चर है ये विक्टोरियन या जॉर्जियन स्टाइल का बना हुआ है। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये है बाथ एबे, जो एक चर्च है जो 16 सेंचुरी में आ गया था। इसके बाद यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार बहुत तेज़ी से हुआ। पहले देवी सुलिस मिनरवा को मानते थे। ये है पंप रूम, जो स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग वाटर आता है उसको यहाँ कलेक्ट करके पूरे शहर में भेजा जाता है। ये बिल्डिंग बाथ स्टोन से बनी हुई है। ऑफकोर्स ये शॉप्स एंड ऑल ये सारे नए हैं। यहाँ पर लगभग 3.8 मिलियन विजिटर्स साल में आते हैं और लगभग 1 मिलियन और एवरी ईयर रह के जाते हैं। ये रही रोमन बाथ की वो बिल्डिंग। हमारा शो, हमारी एंट्री आई मीन टिकट की थोड़ी देर बाद है, तब तक मैं आपको सिटी का टूर देती हूँ। ये सेंट्रल एरिया में रोमन बाथ बना हुआ है, उसके आसपास पूरा शहर बना हुआ है, डेवलप हुआ है। रोमन बाथ पहली सेंचुरी में बना हुआ था जो 5th-6th सेंचुरी तक एंशियंट रोमन्स के द्वारा यूज़ किया जाता था। इससे पहले ये सुलिस मिनरवा नाम की देवी को पूछते थे क्योंकि ये देवी पानी की देवी मानी जाती है। रोमन, एंशियंट रोमन के ज़माने में हॉट स्प्रिंग वाटर जो फुल ऑफ मिनरल, उसके कारण काफ़ी बीमारियां क्योर होती थी, तो उस ज़माने में उनको लगता था कि ये देवी माँ का चमत्कार है, इसलिए उन्होंने वो हॉट स्प्रिंग के आसपास टेंपल बनाया था। ऑफकोर्स अब उसके अवशेष हैं जो अंदर हम जाएंगे बाद में, तब आपको म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगे। रोमन्स का विश्वास था कि ये देवी माँ का चमत्कार है, तो ये वहाँ पर कॉइन्स चढ़ाते थे और वो जो लेड की पत्रे पे मैसेज लिख के अपने विश डालते थे। अंदर जाके आपको दिखेगा ये सिटी, और अब मैं आपको जाके विक्टोरिया गार्डन भी दिखाऊंगी। देखिए ऐसा लगता है ना आप हैरी पॉटर के एरा में आ गए हैं। अभी ये शहर काफ़ी डेवलप हो गया है, यहाँ 40+ के आसपास म्यूज़ियम है और 2 वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ है। ये रहा विक्टोरिया गार्डन।
आपको यहाँ जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, फ्री नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन इट्स वर्थ। आप यदि यहाँ लंदन यूके आए तो ज़रूर आइए। चलिए अब हम अंदर जाते हैं। अच्छा, ये सब नया है विंडो और ये सब, ये कोई एंशिएंट ज़माने की नहीं है बिल्डिंग। देखिए ये स्ट्रीट लेवल पर हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद बड़ी सरप्राइजिंग है कि हम टेरेस पे आ जाते हैं, क्योंकि बाद नीचे बना हुआ है जो हॉट स्प्रिंग वाटर के आसपास है। और ये जो बिल्डिंग है ये बार बार रीबिल्ड की है, 12th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, और ये जो स्टैचूज़ है ये 1894 में लगाए गए हैं। ये रोमन एम्परर और ब्रिटेन गवर्नर्स के हैं। ये देखिए बाथ का पानी ग्रीन हो गया है, जो अब बहुत पॉइजनस है, इसलिए यहाँ आप स्विमिंग नहीं कर सकते। चलिए अब हम पहुँच गए वो फेमस हॉट स्प्रिंग वाटर की तरफ। ये देखिए इसका टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, और आपको विश्वास नहीं होगा एवरी डे ये 1,01,70,000 लीटर्स का पानी निकलता है, जो पूरे शहर को प्रोवाइड करता है, और बचा कुचा पानी एवन नदी में जाता है। और रोमन्स ने उस ज़माने में पाइप जो लगाए हैं अभी तक है। ये देखिए वो टेंपल के अवशेष, और ये जो फेस दिख रहा है ये है गॉर्गन हेड। ये पता नहीं गॉर्गन हेड मतलब कौन से देवता है। अब मैं दिखाऊंगी वो मंदिर का जो स्तंभ है, ये देखिए यहाँ पर मंदिर बने हुए थे, उसके ऐसे चार पिलर्स थे बड़े बड़े, और मंदिर के सामने उनका पूजा रूम और वो जो बलि देने का पत्थर, वो सब कुछ आप गूगल करेंगे तो आपको उसका एक एनिमेटेड वीडियो दिखेगा, जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकती, कॉपीराइट आ जाएगा। 4th सेंचुरी के अवशेषों को प्रिजर्व किया गया है और लोगों को दिखाने के लिए। और ये म्यूजियम में रखा वुडन मॉडल है, ऐसा कहते हैं कि ये 4th सेंचुरी में इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। और ये वो देवी माता का फेस जो खुदाई में मिला था, जो किसी धातु का बना हुआ है। ये मॉडल फेस है जिसे आप टच कर सकते हैं। और ये वो लेड पे लिखे हुए मैसेज है जो उस वेल में मिले, ये वाला जो विश वेल कह सकते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास कॉइन्स मिले हैं, जो रोमन्स, एंशियंट रोमन्स चढ़ाते थे देवी माँ को खुश करने के लिए। और बहुत सी चीज़ें यहाँ से मिली, स्टोन्स मिले, प्रेशियस स्टोन और बर्तन जो म्यूजियम में रखे हुए हैं। देखिए स्ट्रक्चर कितना पुराना है। यहाँ 1978 के पहले तक स्विमिंग करने आते थे, एवरी ईयर जब बाथ फेस्टिवल होता था स्विमर्स आते थे, लेकिन 1978 में एक लेडी की डेथ हो गई थी, वो अलगाय में पाए जाने वाले किसी बैक्टीरिया के कारण उसे मेनिनजाइटिस हो गया था। उसके बाद से ये पानी पॉइजनस प्रूफ करके इसे बैन कर दिया गया, मतलब टच करना भी अलाउ नहीं है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले मेरे नेक्स्ट वीडियो का। ये 150 मीटर में बना हुआ रॉयल क्रेसेंट है जो 1774 में बना था। ये 30 टेरेस हाउसेस जिनमें 10 फुल साइज हाउसेस है, 18 स्प्लिट किए हुए डिफरेंट साइज के फ्लैट्स है और एक नंबर में म्यूजियम है और 16 नंबर में होटल एंड स्पा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।